गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हर रोज की तरह आज भी एक नया WBJEE के बारे में वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके सामने। और एक नया नोटिफिकेशन हमको मिला है और उसका जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। उम्मीद है हमारा जो स्क्रीन है आप देख सकते हो, तो यहाँ पर WBJEE को ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करते हो, यहाँ पर तीन पिंक कलर के सेक्शंस आपके सामने आ जाता है। तो थर्ड वाला है गो टू WBJEE 2020 ई काउंसलिंग, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर एक दूसरा टैब ओपन हो जाता है और मैं आपको बोलता हूँ कि जो ये वेबसाइट है ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज WBJEE.NIC.IN। आप सब जानते ही हो, एक पुराना चीज़ है। तो जैसे मैं उस दूसरे टैब पर आता हूँ, तो यहाँ पर देखो एक साइट पर राइट हैंड साइड पर एक सेक्शन आ जाते हैं नोटिसेस के नाम पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एक सेक्शन जो न्यू है, एक नया सेक्शन है, ऐड हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या है। और ये मैं आपको पहले बता दूं, ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। मतलब जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ई काउंसलिंग के टाइम पर ज़रूरत हो रहा था, उसके बारे में ही एक अपडेट आया है हमारे सामने। तो यहाँ पर एक जो नोटिस है वो अपडेट किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर इसका जो मेन वर्ड्स है वो कुछ इस तरफ सा है। इस पैंडेमिक के वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इस जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको लाने पर। तो इसीलिए WBJEE आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीका निकल दिया है, जो है आपका सेल्फ डिक्लेयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर वो कुछ इस तरफ सा बोला हुआ है, आप चेकर पढ़ लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो जो 17 अक्टूबर 2019 पर एक अपडेट आया था डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में, और वो था जो A1, A2 और B के नाम से। मैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो जाकर ज़रूर उसको चेक कर लेना और फिर हम देखते हैं कि ये नया जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, सेल्फ डिक्लेयर सर्टिफिकेट है, वो क्या है। और उससे पहले और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये वाला सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप पढ़िएगा। यहाँ पर बोलता है कि ऑफकोर्स द कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट द फॉर्मल डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल टू द इंस्टीट्यूट्स वेयर देयर एडमिशंस आर फाइनलाइज्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, फेलिंग विच द एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो ई काउंसलिंग है इसके टाइम पर आपका सेल्फ डिक्लेयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट से जो चीज़ हो जाएगा, लेकिन आप जब फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे कॉलेज पर, आपको वो प्रोफॉर्मा A1, A2 और B जो भी है आपका, वो वाला सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप दिखा नहीं सकते फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाने वाला है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा यदि आप उसको नहीं दिखा पाए। तो चलिए देखते हैं ये हमारा जो नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। यहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपका जो नाम है उसको फिलअप करना है। यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फिलअप करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं इन वेस्ट बंगाल लास्ट 10 ईयर्स टिल 31 टू 2019, मतलब 2019 के दिसंबर का 31 तक आपको 10 ईयर्स होना चाहिए वेस्ट बंगाल पर। और ये जो रूल्स है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का वही है। फिर ये यहाँ पर और वो लोग फिर से बोल रहे हैं कि ये वाला चीज़ कि अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए तो आपका एडमिशन पूरा का पूरा कैंसिल होने वाला है, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी WBJEE का बोर्ड नहीं लेने वाला है। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर इम्पोर्टेंस देंगे, मुझे उम्मीद है, और ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। तो कुछ ये था आज का वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। और एक बात मैं आपको बोलूँगा कि जो वेस्ट बंगाल का जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन से उसके जो काउंसलिंग पर हमने बहुत कॉलेजेस के बारे में वीडियो बनाए रखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, ज़रूर चेक कर लेना, वो भी बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर रखें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन WBJEE के बारे में आपको मिलते रहे।